जी बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत लो है, स्लो आ रही है। हाँ अच्छा, कैसे डिसाइड करते हैं? मुझे लगता है आपको डेटा लेना पड़ेगा, तो सैंपल वो तो हम खुद ही अपने हिसाब से, क्योंकि देखो सैंपल साइज जितना लार्ज होगा एनालिसिस उतना एक्यूरेट होगी, तो ये तो हम लोग जानते हैं। इसका परफेक्ट आंसर तो मुझे भी नहीं पता है कि मतलब हाउ टू डिसाइड सैम्पल साइज। तो इसमें यह है कि डेटा मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना, या खुद से जैसे कोई स्टडी करनी है तो मुझे मतलब ये सोचना है कि मैं कितना सैम्पल साइज लूँ। अब ऐसा मुझे मान लो कोई स्टडी मुझे करनी है, नहीं, आप ऑनलाइन थोड़ा देख सकते, हो सकता है कि मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता है, बट आई थिंक थोड़े से कोई लॉजिक होगा, ऐसा नहीं कोई पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई तो लॉजिक होगा। तो ये है, वैसे तो आंसर कुछ भी बोला जा सकता है, मैं अगर बोलूँ 100 ले लूँगा तो वो भी गलत आंसर नहीं होगा, लेकिन उनका पूछने का एक पर्पस होगा कि लॉजिक। मान लो मैं बोलूँ कि 1000 सैंपल साइज लेना ठीक रहेगा, 100 रहेगा, कुछ भी, कोई मैं रैंडम नंबर बता सकता हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, कोई तो कोई लॉजिक होगा, वरना क्या हम डेटा उठाते हैं, हम छोटा डेटा लेंगे तभी एनालिसिस कर पाएंगे, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो उसके हिसाब से आएगा। मैं लार्ज डेटा लूंगा तो उसका आउटपुट उसके हिसाब से, लेकिन ये हमें, हम लोग ऐसे ही नॉर्मली स्टेटिस्टिक्स में जानते हैं कि जितना डाटा लार्ज है एनालिसिस उतनी एक्यूरेट होगी, है ना। जैसे ये लोग अब एक्सिट पोल वाले लोग, ये लोग क्या करते हैं, सैंपल ही तो लेते हैं ना, तो ये लोग भी तो ऐसे ही करते हैं, एक्सिट पोल है या जो भी ये लोग निकालते हैं इलेक्शन से पहले, ओपिनियन पोल वाले लोग, तो वैसे ही इनका भी वही तरीका होता है, तो उनको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका एक्सपर्टीज़ नहीं, मतलब मैं ज़्यादा डेटा में काम किया नहीं हूँ, मेरा थ्योरेटिकल थोड़ा रिसर्च है, तो इस पर मैं सैम्पलिंग में ज़्यादा काम नहीं किया, बट मैं ढूंढ सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसमें। लेकिन आप ऑनलाइन थोड़े हेल्प ले सकते हैं, यही चीज़ आप गूगल वगैरह पर देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया, कोई तो लॉजिक होगा अगर मुझे कोई स्टडी करनी है, बट अभी मुझे एक इसका परफेक्ट आंसर नहीं पता है ना, तो ये है। जैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है ना, जैसे अभी कोविड का जैसे वैक्सीन बनी थी तो उसका भी टेस्टिंग हुआ था अभी, है ना, तो कोविड जैसे इन्होंने बनाया, चाहे कोवैक्सीन हो गई या कोविड शील्ड हो गई, तो ये लोग जब बना रहे थे तो बनाने के बाद डायरेक्टली लोगों को नहीं दिया ना, उन्होंने बीच में टेस्टिंग हुई है उसकी, जो उसको है ना कि कितना इफेक्टिव है, तो उस ड्रग का है, तो उसका आप देख सकते हो उन्होंने कैसे किया, तो उसका आपको मिल जाएगा रिपोर्ट ऑनलाइन की। जैसे अब को जैसे इन्होंने अब वैक्सीन पूरे इंडिया में दिया लोगों को, प्लस हमने बाहर भी सप्लाई किया था कोविड वैक्सीन को, तो आपको ये स्टडी करो कि जो वैक्सीन बनी थी इतने कम टाइम में, 3-4 महीने में बना दिया उन्होंने, फिर उसके बाद उसमें ट्रायल भी हो गया उसी में, तो उस ट्रायल के पीछे क्या लॉजिक था, कैसे उन्होंने उसका टेस्ट किया कितना इफेक्टिव है और लोगों को देना कितना सही है ना, क्योंकि वैसे वैक्सीन बना हो तो बाद में ना रिपोर्ट भी कुछ अभी आ रहे थे कुछ दिन पहले कि साइड इफेक्ट्स हैं दिस दैट, तो वो है, लेकिन आप उसका स्टडी कर सकते हैं कि जो कोविड में जो वैक्सीन बनी थी कोविड की, तो उसमें जो ट्रायल्स हुए हैं, मतलब जो उन्होंने इफेक्टिवनेस उसका टेस्ट किया है जो है ना वैक्सीन का, तो उसका क्या क्राइटेरिया रहा है, तो उससे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, तो वो ऑनलाइन आपको रिपोर्ट मिल जाएगा इसका। ये थैंक यू। तो